हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल रंजन सर ट्रिपल एस एस एटीए। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन 1 से लेकर 2 तक। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि क्वेश्चन एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ इसका बेसिक रिलेटेड सर्कल से रिलेटेड बेसिक बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ध्यान देना है अपने को क्या कि एक सर्कल है, इसे क्या बोलते हैं सर्कल। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक सेंटर और दूसरा होता है इसका रेडियस। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जब भी सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले इस एक सेंटर की आवश्यकता होती है कि कहाँ से रख के खींचना है, और दूसरा कितने मेजर का खींचना है, कितने मेजर का खींचना है वही इसका रेडियस कहलाता है, यानी सेंटर और रेडियस की जरूरत पड़ती है। अब ध्यान देना है फ्रेंड्स, इसके बाद हमें क्या करना है, इसका टेंजेंट की बात करें। टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब हिंदी में होता है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा क्या होता है, सर्कल के किसी एक पॉइंट से गुजरते हुए जाती है। तो देखिए, सर्कल है, इस सर्कल का यहाँ पे एक मान लीजिए पॉइंट है, इससे टच करके एक लाइन गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट। चलिए, इस प्रकार से गुजरा, इस प्रकार से भी गुजर सकता है, यहाँ से टच किया ये भी टेंजेंट है, इस प्रकार से गुजर सकता है ये भी टेंजेंट है, इस प्रकार से गुजर सकता है ये भी टेंजेंट है, इस प्रकार से गुजर सकता है ये भी टेंजेंट है, इस प्रकार से गुजर सकता है ये भी टेंजेंट है, यानी आप अनगिनत टेंजेंट खींच सकते हैं, केवल सर्कल के एक पॉइंट पे कॉन्टेक्ट करना चाहिए। तो इससे हमें ये पता चला कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट हम लोग खींच सकते हैं, तो इनफाइनाइट, यानी कि अनगिनत खींच सकते हैं, किसी भी तरह से खींच सकते हैं, लेकिन सर्कल के किसी एक पॉइंट पे कॉन्टेक्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यही है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, यानी एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा इनफाइनाइट होगा, यानी कि अनगिनत हम लोग टेंजेंट, इनफाइनाइट टेंजेंट, टेंजेंट्स, यानी कि हम लोग अनगिनत टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, करना क्या है आगे, सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरे। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन समझ लेना है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन, यानी कहा जाए कि एक सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है फ्रेंड्स, इस सर्कल का टेंजेंट जो है सर्कल के कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी टेंजेंट गुजरता है, टेंजेंट है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो टेंजेंट है तो सर्कल के कितने पॉइंट से होकर गुजरती है, तो ओनली वन पॉइंट से ही होकर गुजरती है। टेंजेंट आप इसे भी ड्रॉ करोगे इस तरह से भी, तो वन ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी, तो इसका जो होगा, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा वन। कितने पॉइंट से टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है, तो ओनली वन पॉइंट से फ्रेंड्स। अब चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड क्या कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर टू पॉइंट को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन क्या कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये लाइन ड्रॉ कर लिया, तो लाइन जब ड्रॉ किया तो सर्कल के दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली ये रेखा को क्या बोलते हैं, तो इसका नाम होता है फ्रेंड्स सिकेंड। क्या होता है फ्रेंड्स, सिकेंड। तो ये सेकेंड का आंसर आ गया फ्रेंड्स, सिकेंड। तो इस प्रकार से सिकेंड लिख देंगे। अब ध्यान देना फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड को, आप सर्कल कैन है, एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट्स खींच सकते हैं। तो देखिए, पैरेलल टेंजेंट क्या होता है फ्रेंड्स, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, अरे देखिए एक ऐसा टेंजेंट आएगा, दूसरा ऐसा टेंजेंट आएगा, तो वन पैरेलल तो हो गया, दूसरा क्या करेंगे, इस प्रकार से टेंजेंट ए इस प्रकार से। तो देखिए, पैरेलल क्या होता, ठीक सामने इनके बिटवीन डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, तो ओनली टू पैरेलल टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे मैं रेड मार्कर से लिख देता हूँ, ये देखिए सेकंड में हो जाएगा आपका सिकेंड, सिकेंड, अरे फर्स्ट में हो जाएगा वन टेंजेंट, हम लोग वन पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और जिसमें दो पॉइंट से इंटरसेक्टिंग होगा वो क्या कहलाता है, सिकेंड। और तीसरा जो है, सर्कल कैन है, कितने पैरेलल कर सकते हैं,
तो फ्रेंड्स होता है इसका टू, टू पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स, क्या है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, यानी कि देखिए ये सर्कल है, अरे सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है जहां से टेंजेंट टच करता है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट और कांटेक्ट ऑफ द पॉइंट, कांटेक्ट पॉइंट, इसको ऐसा लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।